नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे EPS और हायर पेंशन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेंशन का मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद हमें एक रेगुलर इनकम का प्राप्त होना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि EPS क्या होता है और हायर पेंशन कैसे मिल सकती है? आज के वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। EPS क्या है? सबसे पहले बात करते हैं EPS के बारे में। EPS का मतलब होता है एम्प्लॉई पेंशन स्कीम। ये एक ऐसा पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई को पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। और EPS में का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम प्रोवाइड करवाना और एम्प्लॉय को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त करवाना। EPS के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? EPS के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है। एम्प्लॉय को 58 साल की एज पूरी करनी होती है। एम्प्लॉय को कम से कम 10 साल की सर्विस अपने पूरे सर्विस टेन्योर में करनी चाहिए। एम्प्लॉय की मंथली बेसिक सैलरी ₹15,000 से कम होनी चाहिए। EPS में कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि EPS जो स्कीम है, जो ये पेंशन स्कीम है, वे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत बनी हुई है। इसके अंतर्गत हर महीने एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है उसका 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और 12% एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन एम्प्लॉय का जो 12% है वो डायरेक्टली गोज टू प्रोविडेंट फंड EPF, और जो एम्प्लॉयर का 12% है उसमें से 8.33% सिर्फ 8.33% 15,000 के ऊपर वो पेंशन के अंदर जाता है। बाकी जो अमाउंट बच जाता है वो जो है अमाउंट जो है प्रोविडेंट फंड के अंदर चला जाता है। तो जो कंट्रीब्यूशन है 8.33 जो होना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से जो होता है उसको सिर्फ जो है ₹15,000 के ऊपर कटता है। इसलिए वो फंड बहुत कम मात्रा में पेंशन स्कीम के अंदर जाता है। हायर पेंशन कैसे मिल सकती है? हायर पेंशन पाने के लिए कुछ पॉइंट को फॉलो करना जरूरी होता है। एम्प्लॉय को कम से कम 20 साल की सेवा देनी होनी चाहिए। एम्प्लॉय को अपनी पेंशन कंट्रीब्यूशन को जो 8.33 है उसको 15,000 पे ना करके अपनी एक्चुअल इनकम के ऊपर कर देना चाहिए। एम्प्लॉय को एज के हिसाब से ऑप्शन चूज करने चाहिए, जैसे कि अर्ली पेंशन, लेट पेंशन या जीवनधारा पेंशन। अगर एम्प्लॉय अपने रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक पेंशन रिसीव करता है तो उनके नॉमिनी को भी पेंशन मिल सकती है। हायर पेंशन के लिए क्या करना होगा? हायर पेंशन के लिए एम्प्लॉय को अपनी बेसिक सैलरी और पेंशन कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना चाहिए। मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्चुअल बेसिक सैलरी है उस पे 8.33 कंट्रीब्यूट करने का ऑप्शन चूज करना चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉय अपनी एज के हिसाब से पेंशन ऑप्शन चूज कर सकता है, जैसे कि अर्ली पेंशन, लेट पेंशन, जीवनधारा पेंशन। अगर एम्प्लॉई अपनी पेंशन कंट्रीब्यूशन को एक्चुअल के 8.33 से ज्यादा करता है तो उन्हें हायर पेंशन मिल सकती है। EPS विड्रॉल कैसे करें तो उसके बारे में भी जान लीजिए। एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद पेंशन रिसीव करने के लिए कुछ जरूरी कागजात पूरे करने पड़ते हैं, जैसे एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद अप्लाई करना होता है और इसके लिए कम से कम 10 साल की सर्विस होना जरूरी होता है। एम्प्लॉय को फॉर्म 10C भरना होता है और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल सबमिट करना होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने EPS और हायर पेंशन के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।